हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो मोटिव इन ये जो स्क्रीन पर आपको कमेंट दिख रहा है, ये मैंने कमेंट करा था, भाई ने बोला था कि आप हमारे लिए एक ऐसे हॉरर प्लेस पे वीडियो बनाएं। तो इनके ही कमेंट को देखते हुए और हमने बहुत रिसर्च करी और भारत की सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉरर प्लेस में से एक ढूंढ निकाला और उस पर हमने वीडियो बनाई है। तो गाइज़, अगर आपको भी किसी टॉपिक में या किसी जगह के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, बता दिया, तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक होटल के बारे में। गाइज़, वो होटल इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, तो गाइज़, अगर आप वहाँ पे एक रात रुकेंगे तो आपको ज़रूर किसी के वहाँ पे चलने की, आपके किसी के होने की आहटें सुनाई देंगी, आपको किसी के इंग्लिश में बोलने की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक ऐसे होटल के बारे में, एक ऐसे होटल के बारे में जो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हॉरर है और भारत के नंबर वन हॉरर होटलों में से एक है। तो गाइस, जी हाँ गाइस, हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के कोटा में स्थित ब्रिज राज भवन के बारे में। तो गाइस, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ब्रिज राज भवन आखिर कैसे भारत का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होटल बना, कि आखिर क्या कारण है, क्या रीज़न उसके पीछे इतना ज़्यादा ख़तरनाक होने का, क्यों लोगों को वहाँ पे किसी की आत्माएं घूमती हुई नज़र आती हैं, क्यों किसी को वहाँ पे कुछ ऐसी भाषाएं बोलती सुनाई देती हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। तो गाइस, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ब्रिज राज भवन जो भारत का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होटल है, वो आखिर उसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और उसमें वो हॉन्टेड की शैली में किस तरीके से आई, यही सब बताएंगे अपने इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ब्रिज राज भवन की स्थापना 1830 में ब्रिटिशों द्वारा की गई थी। ये इनका निवास स्थान हुआ करता था और इसकी स्थापना के लगभग 60 साल बाद इसे राज्य अतिथि गृह घोषित कर दिया गया, यानी कि होटल घोषित कर दिया गया था। तो गाइस, हम आपको बता देते हैं 1844 में जो एक अंग्रेजी अधिकारी थे मेजर चार्ल्स बर्टन, वो एक कोटा शहर में रहते थे, उनकी कोटा शहर में नियुक्ति हुई थी और कोटा शहर में एक इस भवन है जिसका नाम है ब्रिज राज भवन। वो उस भवन में 13 वर्षों तक परिवार के साथ रहे थे। तो गाइस, ये बात स्टार्ट होती है सन 1857 का विद्रोह जब चल रहा था, तो जो इंडियन सिपाही थे उनमें क्रांति भड़क चुकी थी। तो ऐसी अंग्रेजी शासक जो अंग्रेजी सरकार थी, उनने चार्ल्स बर्टन को यह आदेश दिया कि वह आंध्र प्रदेश में लड़ाई को रोकें। जब वो अपनी यात्रा के लिए निकले आंध्र प्रदेश, तो जब ही वहाँ के राजा जो कोटा के जो राजा थे, उन्होंने उनको वापसी बुला लिया और उनसे वो वापसी आ गए। फिर बर्टन अपने परिवार के साथ 13 दिसंबर को 1857 में कोटा पहुँचे।
दो दिन बाद 15 दिसंबर की रात को गार्ड ने उन्हें सूचित किया, पहल की ओर भारी भीड़ आ रही है। ये मानते हुए कि भीड़ स्थानीय लोगों की होगी जो किसी मदद के लिए या किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महल में आ रहे थे, मेजर बटन बात करने के लिए बाहर निकले लेकिन फौरन उन पर गोली चला दी। जॉर्ज मेजर बर्टन परेशान होकर वे वापस अंदर भागा, अपने दोनों बेटों को अपने साथ ले गया और ऊपरे कमरे में छिप गया, इस उम्मीद में कि गार्ड मदद के लिए भीड़ को काफ़ी देर तक रोके रखेंगे। हालांकि उनकी सभी आशाओं के विपरीत उन्हें और उनके दोनों बेटों को जल्द ही भारतीय सेना ने पकड़ लिया, केंद्रीय हॉल में खींच लिया और घुटनों के बल बैठ कर गोली मारकर हत्या कर दी। तो गाइस यहाँ से 1857 का विद्रोह जो था वो होता है ख़त्म और यहाँ से स्टार्ट होता है एक भूतिया हॉरर हॉन्टेड प्लेस। जो कि जब उनकी मृत्यु हो गई चार्ल्स बर्टन की, उसके बाद वहाँ के राजा हुए कोटा में पैदा, जिन्होंने पूरा ब्रिज राजभवन को संभाला। वहाँ पे लोग आने लगे घूमने के लिए, वहाँ पे लोगों की आहटें सुनाई दी लोगों को, मतलब अंग्रेज़ों की आहटें सुनाई दी, कुछ चीखने की आवाज़ें आती रहीं। यहाँ से बहुत ही कहानी स्टार्ट होती है। तो गाइस हम आपको बताए थे कि जो इस होटल में ठहरने वाले लोग थे उन्होंने माना है कि यहाँ पर किसी चीज़ का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों जो घूमने आए थे वे कहते हैं कि होटल के भीतर उन्होंने एक आहटों की आवाज़ सुनी है। कहा है उनका कहना है कि उन्होंने किसी का साया भी महसूस किया है। कई कोटा की जो पूर्व महारानी थी उनने भी ये बात का दावा किया है कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत देखा है। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज़ आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचों में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। जैसे कि आपने सुनी लिया है और आपने देख लिया वीडियो में कि किस तरीके से वो एक हॉन्टेड प्लेस बना और कैसे वहाँ पे उस चार्ल्स मेजर चार्ल्स बटन का भूत वहाँ पे घूमने लगा। लेकिन गाइस क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि आपको विश्वास हो सकता है कि वो भूत ने आज तक कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना कभी किसी को डराया, ना उसने किसी को कोई भी हानि पहुँचाई। वो एक बहुत ही ज़्यादा मिलनसार भूत है, सबका ये कहना है। और गाइज ये कहना है कि अगर वहाँ पे कोई जो चौकीदार होते हैं अगर रात में वो सो रहे होते हैं तो उनके छाटे पड़ते हैं, या फिर अगर वो बीड़ी या सिगरेट पी रहे होते हैं तो उनके छाटे मारे जाते हैं। छाटे मार रहा इतना समझदार भूत है बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज यही, और मतलब अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं। लेकिन आपको रात के टाइम पे बगीचों में नहीं जाना, होटल के ऊपर जैसे कि आपने सुनी लिया ऊपर के बगीचों में नहीं जाना, कभी आपको मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत आपको दिख जाए और आपको भागना पड़ जाए वहाँ से। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो ये वाला भूत। गाइस मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, मुझे जाना पड़ेगा लगता है। मिलना चाहते हैं ऐसे भूतों से जी। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, गाइस अगर वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज बढ़ी हुई, आपकी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन में वृद्धि हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय टाटा।